आर बाल्की की चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट 23 सितंबर को रिलीज होगी। रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर खराब समीक्षाओं और नकारात्मक समीक्षाओं से पीड़ित एक कलाकार के दर्द को दर्शाती है। इसमें द लकीर सलमान और सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं। IndiaToday.in के साथ एक विशेष बातचीत में आर बाल्की ने अपने प्रमुख खिलाड़ियों के इस दिलचस्प चयन के बारे में बात की। दुलकर सलमान और सनी देओल के साथ अनूठी जोड़ी के बारे में बात करते हुए आर बाल्की ने कहा, जब आप दुलकर की फिल्मोग्राफी को देखते हैं तो उन्होंने जिस तरह की फिल्में बनाई हैं, वे उत्कृष्ट हैं। मैंने उसे करीब से देखा। मुझे लगता है कि वो सबसे परिष्कृत अभिनेताओं में से एक है जिन्हें मैंने भारतीय सिनेमा में देखा है। इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह की भूमिका के लिए उनके जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है। मुझे खुशी है कि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई और वे सहमत हो गए, निर्देशक ने कहा। सनी देओल के लिए भी यही है। इस तरह के चरित्र के लिए एक निश्चित उपस्थिति की आवश्यकता होती है जो उसके पास थी। सनी ने कभी भी एक पूर्ण संवाद बॉस की तुलना में एक शांत लेकिन अधिक शक्तिशाली भूमिका नहीं निभाई है जो वो आमतौर पर करती है। किसी को फिर से फिट, खुश और अच्छा दिखना भी अच्छा लगता है। यह लिंक मेरे लिए बहुत दिलचस्प था। यह लगभग दो नए लोग एक साथ आ रहे हैं। आर बाल्की ने प्राप्त आलोचनाओं के बारे में बात की और यह लोगों को कैसे प्रभावित करता है। उसने कहा, मैंने चुप बनाया क्योंकि मुझे कई अन्य लोगों की तरह नकारात्मक समीक्षाओं का दर्द महसूस हुआ। यह सिर्फ फिल्मों की बात नहीं है, ये सभी आलोचनाएं हैं जिनका लोगों को जीवन में सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि आलोचना आज फैशन बन गई है। लोग आलोचना करने के लिए कूदते हैं। जब आप संवेदनशील होते हैं तो बहुत दर्द होता है।